वेलकम टू आवर चैनल इन ऑनलाइन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रैम और नैनोमीटर के बारे में। आप सब में से कई लोगों को ये नहीं पता होगा कि रैम और नैनोमीटर क्या होता है, आखिरकार किस बेस पे फोन ले। तो अगर आपको टेक्नोलॉजी का थोड़ा भी नॉलेज नहीं है तो इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा के ऑल प्रेस कर दें। तो प्रोसेसर कई तरह का है दोस्तों, जैसे क्रीम का आता है तो क्रीम का हॉनर ग्लोबली ये सब यूज करते हैं, एक्सिनोस का आता है, सैमसंग यूज करता है, स्नैपड्रैगन का आता है, उसके बाद फिर मीडियाटेक के भी आते हैं। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले स्नैपड्रैगन की। तो देखिए दोस्तों, स्नैपड्रैगन और मीडियाटेक ये दोनों प्रोसेसर अक्सर फोन्स में यूज होते हैं। तो देखिए दोस्तों, मीडियाटेक कई तरह के आते हैं, जैसे इसमें जी सीरीज होता है, G85, G80, G35, G90, G90, G70 और स्नैपड्रैगन के वही कितने सारे आते हैं, 665, 439, 410, 865, 865 प्लस, 855 प्लस, 855। तो ये कई तरह के होता है, ठीक है। स्टार्ट। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि बजट सेगमेंट के मुताबिक किया जाता है। अगर आप 10-15 हज़ार के फोन में 865 प्रोसेसर और 865 प्लस हो जाए तो नहीं मिलने वाला है। सुन लीजिए, 865 और 865 प्लस चाहिए तो आपको 50,000-40,000 के फोन में जाने ही होंगे। 15,000 में आपको अगर आपको मिल रहा है वो वाला मीडियाटेक का G90T या फिर एक्सिनोस का 990 या फिर स्नैपड्रैगन का 720G, तो ये सब प्रोसेसर अच्छे हैं, ले लीजिए। तो दोस्तों रैम के बारे में तो बात हो गई, अब नैनोमीटर्स के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों ये बात जान लीजिए कि आप सोच रहे होंगे कि आप में से कितने लोग सोचते होंगे कि 14 नैनोमीटर या फिर 7 नैनोमीटर, ये तो दूर हो गए। तो दोस्तों मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि 14 नैनोमीटर है, 13 नैनोमीटर, 12 नैनोमीटर, 11 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर, 7 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये सब जो हो गए, तो जितने नैनोमीटर कम होंगे उतने ही अच्छे होंगे प्रोसेसर। तो आप सोच होंगे नैनोमीटर आखिरकार है क्या भाई, तो नैनोमीटर मैं आपको बता देता हूँ। सुनिए, जो प्रोसेसर होते हैं उसके बीच में जो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं वो ट्रांजिस्टर के बीच का गैप होता है नैनोमीटर। जितना कम नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है उतना ही अच्छा रीड और राइट स्पीड देगा आपको और उतना ही अच्छा वो परफॉर्मेंस देगा गेमिंग वगैरह हर चीज़ में। जैसे अगर आपका तो देखिए, आपको जितना कम नैनोमीटर मिले उतना अच्छा है, पर बजट सेगमेंट के मुताबिक आपको 10-15 हज़ार के अंदर मुश्किल से 9 से 8 नैनोमीटर मिलेगा, 7 नैनोमीटर नहीं मिलेगा। ये 865 है, ये लेटेस्ट है। हाँ, लेकिन हो सकता है 2020 तक 5 नैनोमीटर वाले प्रोसेसर आ जाए, अगले साल 3 नैनोमीटर वाले आ जाए। तो जितने कम नैनोमीटर उतना अच्छा। तो नैनोमीटर आपका प्रोसेसर का स्पीड बढ़ाता है, राइट एंड रीड स्पीड बढ़ाता है। थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज्ञान देना तो शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों सो मच।